नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और आज हमारे पास आया है पैनासोनिक का नया स्मार्टफोन जिसका नाम है एलुगा i9। बजट रेंज में कंपनी ने इस फोन को निकाला है, इसलिए आज मैं आपको इस फोन की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूं और उसके बाद इस फोन को लेकर अपने ओपिनियन बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि इस फोन में क्या मिलेगा आपको। अब सबसे पहले अगर इसके बॉक्स को खोलें तो ऊपर की तरफ एज यूजुअल आपको ये एक फ़ोन मिलेगा जो कि पकड़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तब तक मैं इस फोन को ऑन करके साइड में रखता हूं और मैं आपको इसके बॉक्स कंटेंट दिखाता हूं। ये आपको कुछ स्टिकर्स मिलेंगे, इस लिड के अंदर आपको मिलेगा एक क्विक स्टार्ट गाइड मिलेगी, ये इसका वारंटी कार्ड, सिम इंजेक्शन टूल, इसमें आपको एक माइक्रो यूएसबी केबल मिलेगी, ईयरफोन्स हैं, टैंगल नहीं होंगे ईयरफोन्स आसानी से और क्वालिटी इसकी ठीक ठाक लग रही है फिलहाल। और ये रहा एक पावर अडाप्टर, 5 वोल्ट का है। तो बेसिकली जब आप इस फोन खरीदने जाएंगे मार्केट से तो ये सारी एक्सेसरीज आपको इस फोन के साथ मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं इस फोन का फर्स्ट इंप्रेशन। अब इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशन को देखें तो सबसे पहले अगर इसकी लुक्स पे आप नजर डालें तो ये फोन देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक ब्लॉक फोन की तरह है, कॉम्पैक्ट साइज़ का है और आपके हाथ में आसानी से फिट आ जाएगा और आपको एक अच्छे ग्रिप भी देगा। हालांकि ये देखने में आपको मेटल बॉडी वाला फ़ोन लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में इसका सिर्फ यही हिस्सा मेटल का है और बाकी जो इसका फ्रेम और ये ऊपर और नीचे की तरफ बॉर्डर दिए हैं ये प्लास्टिक के ही हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कंपनी ने इसमें यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और फ्रंट में कैपेसिटिव कीज़ नहीं है बल्कि जो कीज़ हैं वो उसके स्क्रीन के अंदर हैं और स्क्रीन के आसपास आप देख सकते हैं कि ब्लैक बैंड दिए हैं। पर ये जो कुछ कमियां हैं ये आपको इसके प्राइस को भी ध्यान में रखते हुए जज करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी कीमत है सिर्फ 7,499 रुपये। अब इसका अगर डिस्प्ले देखेंगे तो इसमें आपको मिलता है 5 इंच का HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले जो कि काफ़ी वाइब्रेंट है, टेक्स्ट एकदम शार्प दिख रहे हैं और ब्राइटनेस भी इसे काफ़ी तेज़ है। आपको मैं दिखा दूं कि ब्राइटनेस लेवल मैंने बहुत ही कम कर रखा है और उसके बावजूद भी आपको सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है। अब बात करें इसके दूसरे एस्पेक्ट्स यानी हार्डवेयर की, तो कंपनी ने इसमें दिया है मीडियाटेक का 6737 चिपसेट जो कि 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ आता है। साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगी 2500 mAh की बैटरी। तो अगर आप इस कीमत देखेंगे और स्पेक्स को नोटिस करेंगे तो काफ़ी अच्छे स्पेक्स कंपनी ने ऑफ़र करे हैं आपको। अब इसी स्पेक्स की वजह से और इस कीमत की वजह से ये सीधा सीधा Xiaomi के Redmi 4 को कम्पीट करता है। और आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा जिसका मैं छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूँ अभी। आप देख सकते हैं शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है, हालांकि पिक्चर क्वालिटी पे भी मैं जज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सिर्फ इसका फर्स्ट इंप्रेशन है और क्वालिटी पे कमेंट करना सही नहीं रहेगा, लेकिन पिक्चर काफ़ी शार्प आ रही है आप देख सकते हैं और मैं इसका फाइनल वर्डिक्ट आपको इसके रिव्यू के बाद ही बताऊंगा। और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 5 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है इसमें आपको, शटर स्पीड इसकी भी काफ़ी फास्ट है और आप इसमें HDR मोड भी ऑन कर सकते हैं फ्रंट में। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसमें आपको एंड्रॉयड नोगा मिलेगा जो कि नियर स्टॉक है और कंपनी इसमें आपको अपना खुद का आरबो AI असिस्टेंट भी दे रही है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और गूगल AI या फिर सीरी की तरह काम करता है। साथ ही साथ इस फ़ोन में आप OTG भी कनेक्ट कर सकते हैं, कंपनी कह रही है कि इसमें OTG सपोर्ट दिया है। तो मेमोरी को बढ़ाने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है, तो आप मेमोरी कार्ड के ज़रिए या फिर ऑन द गो ड्राइव के ज़रिए इसकी मेमोरी को एक्सपैंड कर पाएंगे। अब कीमत मैंने आपको बताई कि इसकी कीमत है 7,499 रुपये और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये इस कीमत पे Xiaomi Redmi 4 को कम्पीट करता है। स्पेक्स वाइज तो डेफिनेटली कर रहा है लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये उसके सामने कितना खरा उतरेगा ये मैं आपको इसके रिव्यू के बाद ही बताऊंगा। और ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप इस फोन का रिव्यू जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।